नमस्कार दोस्तों, और स्टेट विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 28 जुलाई 2019 को सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की जो परीक्षा हुई है, यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा करवाई थी, तो ये उसका जो है आंसर की है, आंसर की पार्ट थर्ड। और इसमें हम चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन और पार्ट टू आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा आपने तो लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ के रूप में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट studyvidyanprakash.com पर विजिट करना होगा, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। हालांकि जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें ये पीडीएफ डायरेक्टली उनके मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज के इस वीडियो को। कुल मिला के 25 प्रश्न हिंदी के अंतर्गत पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 174 तक। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें जो संक्षेपण लिखना होता है उसे कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो दोस्तों, जितने शब्द का वो पैराग्राफ हो उसके एक तिहाई शब्दों में उसका संक्षेपण लिखा जाता है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? वैयक्तिक पत्र मतलब पर्सनल लेटर, और जो पर्सनल लेटर होते हैं वो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखे जाते हैं। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न बनता है कि च छ ज झ इयां का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है च वर्ग के बारे में, और च वर्ग क्या होता है? ये तालव्य होता है, यानी कि इसमें जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जो बोले जाते हैं जो अक्षर, उनका उच्चारण करते समय हम अपने तालु का प्रयोग करते हैं, च छ ज झ इयां। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? आपको पता होगा, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि, और वृद्धि के बाद यण, और फिर अयादि। तो ये 5 स्वर संधियाँ हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पक्ष, वायु, साई और राजा। साई का जो अर्थ होता है वो स्वामी होता है। तो सही जवाब बनता है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव के बारे में बात की जा रही है, और दोस्तों यहाँ पर जो पंख शब्द है ये तद्भव है। पंख का जो तत्सम होता है वो पक्ष होता है, बाकी अक्षर, कार्य और आज्ञा ये तत्सम शब्द हैं। मृग नयन में समास है। तो दोस्तों, मृग नयन में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मृग नयन शब्द है, मृग नयनी नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो केशव, चक्रपाणी और दामोदर, ये तीनों ही शब्द विष्णु के पर्यायवाची हैं। मुक्त पुरुष ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। निष्कलुष का विलोम शब्द। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी, कलुष। अभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो इसका सब सही अर्थ होगा जानकार और न जानकार, ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ और प्रियतम। सही जवाब है प्रत्यक्ष, यानी कि जो आंखों के सामने हो। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका संदेहवाचक, दूसरा हो गया निषेधात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, फिर संकेतवाचक, छठवां विस्मयादिबोधक, सातवां विधानवाचक और आठवां इच्छावाचक। तो सही जवाब ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों, जो भूख लगती है वो बहुत तेज लगती है, बड़ी भूख नहीं लगती है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो अशुद्ध है। बाकी सारे शब्द यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये प्रश्न है यहाँ पर, और सही जवाब है ऑप्शन ए, अंधेर। बाकी नकेल, मुंडेर और बटेर जो ये शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो जो छोटी बेड़ी पाई होती है जिसको आप क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन सी। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करना यानी कि कान खोलना, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और उसके बाद हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों, ये होता है मन चंगा तो
कठौती में गंगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये जो है भाषा भोजपुरी है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों 70 और 71 के उत्तर दें। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर पर रहकर हमारे साथ स्नेह की तुम और भी अधिक रक्षा कर सकती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रहने पर माँ जब व्याकुल होगी, यहाँ पर न सत का लोक है, हमारे न रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक बातें कहकर उन्हें समझाना, लेकिन सीता पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। सीता साधारण स्त्री न थी, वे अपने कर्तव्य को समझती थी, इसलिए इन सभी बातों के उत्तर देकर वे वनवास के लिए अपनी इच्छा को तोड़ न सकी। यहाँ यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीता को जो यह अमर कीर्ति प्राप्त हुई, प्रत्येक स्त्री के लिए वे प्रातः स्मरणीय हो सकी। इसका कारण यह नहीं है कि वे राजा जनक की बेटी थी और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी। रामचंद्र की पत्नी होना भी उनका कोई विशेष कारण नहीं है, उस कीर्ति का एकमात्र कारण है अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहन। अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता, चरित्र बल और कष्ट सहन के लिए उनको जो अमर कीर्ति संसार के इतिहास में मिल सकी उसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो प्रश्न बनता है कि सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई, और दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहना, तो ऑप्शन डी। और उसके बाद है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा धर्म और कर्तव्य परायण सीता, तो ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, तो ये है इंदुमती, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कमर शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, और कमरा शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का है, कमेटी शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, कान कान जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द है न्याय ये पुल्लिंग है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो पत्र होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कुछ पत्र होते हैं जो कि फॉर्मल होते हैं, कुछ पत्र होते हैं जो कि मित्रों के बीच लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर पत्रों की श्रेणी डिसाइड नहीं की गई है और इस स्थिति में बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो सही जवाब दे पाना मुश्किल काम है। फिलहाल मेरी ओर से इसका जवाब दोनों सही है, आपका और फौदी दोनों लिख सकते हैं, शुभेच्छु भी लिख सकते हैं, शुभचिंतक भी लिख सकते हैं, तो या तो सभी विकल्प सही हैं, अगर पत्रों का प्रकार पता होता तो कोई एक विकल्प सही होता। फिलहाल आंसर की आने दीजिए, देखते हैं कि उसमें आयोग इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही मानता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस पर कंप्लेन कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स ये हैं हिंदी के प्रश्न, अब जो बाकी के वीडियोज होंगे उसमें हम रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।